नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पर, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले इंसो के कुछ सदस्य अंदर डीन से मुलाकात करके आए थे अपनी मांगों को लेके। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सदस्य अभी डीन से मुलाकात करने गए थे अंदर मांगों को लेके, तो क्या क्या इनको आश्वासन मिला और क्या इनको अभी कितने दिन का समय दिया गया है। तो क्या नाम है सर आपका? 2015 में से प्रेजिडेंट कर चुका हूँ और आज एक बड़ी समस्या छात्रों के आगे आई है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, जबकि ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं लेकिन ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहे, सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी द्वारा किए करवाए जा रहे हैं। हमारी यही डिमांड थी, हज़ारों स्टूडेंट के साथ मिल करके हमने एक मुहिम रखी है कि भाई प्रोटेस्ट के जरिए हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकाकर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम वो करवा सके। और कई और भी समस्या थी जो कि अभी ध्रुव भाई साहब बताएंगे, लेकिन हमने प्रयास किया है और इन्होंने अल्टीमेटम भी हमारे को दिया है और हम छात्रों के साथ एकजुट होकर के एक बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। और जब भी इंसो की स्टूडेंट की जरूरत होगी, इंसो लाठियों के आगे पहले खड़ी होगी, स्टूडेंट को पीछे खड़ा करेगी, ठीक है, लेकिन छात्रों को कभी भी झुकने नहीं है। ये हमारा इंसो का पहले से चलता आ रहा है रिवाज भी समझ लो इसको, या इसको किसी भी तरह की बात समझ लो, इंसो हमेशा स्ट्रॉन्गली छात्रों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो आपको लगता है कि इसमें काफ़ी जल्दी से आंदोलन चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे छात्र संगठनों ने इतना भाग लिया, खिलाड़ी ली, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में वो आप चुप हैं, तो आप? नहीं नहीं नहीं, प्रशासन के दबाव में तो यूनिवर्सिटी प्रशासन चुप है, छात्र किसी के पर दबाव में चुप नहीं है, ठीक है। अगर दबाव किसी का आएगा तो उस दबाव को तोड़ने का और झुकाने का काम इनसे दबाव किया जाएगा। ये किसी प्रशासन से हम ना पहले झुके हैं और ना आगे झुकेंगे, ये प्रशासन इस बात को भूल जाए, ठीक है। और जहाँ बात स्टूडेंट की आएगी, स्टूडेंट के लिए हम हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो सर, क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा आपको जो समय दिया गया है उसमें कितना वो रहेगा? अभी जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, जब ये डेमोन्स्ट्रेशन था, बेसिकली ये किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ उसके अंदर हमारे एक्टिविस्ट जो हैं वो उनकी संख्या 10 से 15 होगी, हमारे एक्टिविस्ट होंगे तो 5-7 होंगे, बाकी यहाँ पर जो थे वो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, जो ओबी एग्जाम के कारण यहाँ पर फंस गए हैं। इसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही है, जो मैं अभी आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन एग्जाम्स में अपीयर होने का, लेकिन सेकेंड ईयर फाइनल ईयर और पीजी के स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा है ब्रदर। और जबकि पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी बंद है। अभी हमारी जो डिमांड थी कि ओबी एग्जाम को हाइब्रिड फॉर्म के अंदर करवाया जाए, हाइब्रिड फॉर्म से हमारा मतलब है कि ऑनलाइन का ऑप्शन भी हो और ऑफलाइन का ऑप्शन भी हो, ताकि स्टूडेंट को जैसा फेवरेबल लगे, क्योंकि इतनी हार्ड कंडीशन पेंडेमिक्स के कारण पिछले 2-3 साल में पूरी दुनिया ने देखी है, हमारा देश भी उससे नहीं बचा है और हमारी यूनिवर्सिटी भी उस चीज़ से नहीं बची है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने यूनिवर्सिटी के आगे डिमांड रखी। जब यहाँ पर DSW सर हम स्टूडेंट्स के बीच में बात करने के लिए आए, उनके सामने हमने यही मांग रखी है कि एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए। अभी ACE की मीटिंग जो है यूनिवर्सिटी की वो चल रही है, DSW सर ने हमें एश्योर किया है कि मीटिंग के अंदर हमारी इस डिमांड को रखा जाएगा और OBE एग्जाम हाइब्रिड मोड के अंदर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी और PG के स्टूडेंट्स के लिए भी हाइब्रिड फॉर्म के अंदर OBE एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इस चीज़ के लिए हम एश्योर हैं अभी जो हमारी बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग। और अभी अगर इस चीज़ को लेके मतलब अगर ऐसा कुछ है कि कुछ लाग लपेट की बात है या फिर ये लोग हमें मतलब कुछ बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये सब स्टूडेंट्स यही हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी यही है, और जो आज यहाँ पर प्रदर्शन एक छोटा सा प्रदर्शन किया गया था, ये प्रदर्शन हजारों की और लाखों की भीड़ में भी ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर पहुँच सकता है। तो सोशल मीडिया पे एक बयान जारी हुआ था कि जो ड्यू का कि उन्होंने बोल रहे हैं कि जो छात्र हैं वो ज़्यादातर ऑफलाइन के पक्ष में। नहीं नहीं, बेसिकली हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी जो 17 तारीख से यूनिवर्सिटीज को खोला गया था, उससे पहले यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वार्थी ऑर्गेनाइजेशन हम जिनको कह सकते हैं, या फिर जो सरकार के पिट्ठू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुख्य तौर के ऊपर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे जो संगठन हैं, उन लोगों ने यहाँ पर विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए प्रदर्शन किया। और जब उनके डेलीगेशन यहाँ पर अथॉरिटीज से बात करने के लिए अंदर गए, तो उन लोगों ने रिटर्न के अंदर ये दे दिया कि हम लोग जो हैं OBE एग्ज़ाम को हम ऑनलाइन नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
और ये सरकारी लोग, क्योंकि प्रशासन के ज्यादातर लोग यहाँ पर सरकारी हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के लोग वो तो एक जैसी बातें करेंगे ही ना, क्योंकि वो तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो इस सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, ये जब यहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, दो दो घंटे से धूप में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो ये कह रहा है कि मैं ऑफलाइन एग्जाम दूंगा? नेपाल में स्टूडेंट्स बैठे हैं, बंगाल में स्टूडेंट्स बैठे हैं, साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम हो पाएगा तो वो एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे, वरना वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। ये सिर्फ एक बहकावे का काम है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने और सरकार ने मिलकर एक ड्रामा यहाँ पर खड़ा किया है। हमारा एक गूगल फॉर्म है, उसके अंदर अराउंड यानी 17,376 हो गए, 17,000 हो गए बता रहे हैं। उन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि हम ऑनलाइन एग्जाम आ रहे हैं, तो आप बताइए फिर ऑनलाइन एग्जाम और कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? तो मतलब स्टूडेंट आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मतलब जिन स्टूडेंट के मन में अभी भी ये है ना कि मतलब ऑनलाइन एग्जाम हो नहीं सकते, वो सभी प्रोटेस्ट को अच्छे से ज्वाइन करो। और आज हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, सेकंड डे था उस दिन भी अच्छा रिस्पांस मिला, आज खुद वो यहाँ के बात करके गए, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मतलब प्रोटेस्ट करें या जो भी करना पड़ेगा तो उसमें आप बड़ी संख्या में पहुँचो, क्योंकि मतलब जब तक हम स्ट्रेंथ ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो अगर फिजिकल मोड पर जितना स्ट्रेंथ दिखाएंगे ना तो उनसे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो उनको लिखित में देना पड़ेगा कि आपका हमें मतलब ऑनलाइन एग्जाम से दिक्कत नहीं है, बट जिस सेमेस्टर में हमारा 80% सिलेबस जो मतलब ऑनलाइन किया है इन्होंने, तो फिर उसको अब ऑनलाइन एग्जाम ही देंगे, जैसा उन्होंने पढ़ाया है उसी हिसाब से हम एग्जाम देना चाहते हैं। ऑफलाइन एग्जाम से हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफलाइन एग्जाम दिया है, तो अब हमारे क्या दिक्कत हो जाएगी, बट हमने अभी 80% सिलेबस है वो ऑनलाइन कवर किया, तो अब हम एग्जाम भी ओबी चाहते हैं। इनमें चॉइस है, जो ऑफलाइन चाहते हैं उनको चॉइस दे दीजिए, ऑफलाइन दे देंगे, हमें दिक्कत नहीं है, बट हमारी चॉइस अभी ओबी के लिए है, तो हमें ओबी चाहिए। ठीक।